गोभी के पराठे तो आपने बहुत ही बनाए होंगे और खाए होंगे। आज बनाएंगे हम लोग पत्ता गोभी के पराठे। ये भी खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। बनाने के लिए मैंने लिया है एक पत्ता गोभी। इसको ग्रेट कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद पैन चढ़ा के इसमें सरसों तेल 2 चम्मच गरम करेंगे पैन में। 1 छोटा चम्मच जीरा और थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन और अदरक। इसको कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे। ये अदरक लहसुन भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी। इसको ऐड करके मिक्स कर लेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये है गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इसके बदले आप चाट मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए मसालों को मिक्स करते हुए भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब मसाले और पत्ता गोभी भून चुके हैं, इसमें कटा हुआ हरा धनिया मिक्स करेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको साइड में रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब आटा गूंथा हुआ था, इसमें 1 चम्मच फिलिंग लेके फिल करेंगे और इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे। लॉक करके हाथों से थोड़ा सा फ्लैट करके और इसको रोल कर लेंगे। हल्के हाथों से रोल करेंगे और तवा गरम करके इस पे उलट पलट करके पराठा को सेकेंगे। इसमें आप कुकिंग ऑयल या घी, बटर, किसी भी चीज़ से पराठा को सेंक सकते हैं। इसको पलट के दूसरी साइड से भी कुकिंग ऑयल लगा के और सेकेंगे। पराठे में ब्राउन स्पॉट आ गया है, अब ये पराठा सिक चुका है। इसको निकाल लेंगे, ऐसे ही सारे पराठे एक एक करके सेक लेंगे। इस पत्ता गोभी के पराठे को आप एक बार जरूर घर में ट्राई कीजिए। चलिए सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। इसको सर्व कीजिए, ऊपर से थोड़ा सा इसमें बटर डाल दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ।